हेलो फ्रेंड, ज्योति किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बर्फ़ी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन इस बार सिर्फ 50 रुपये में बनाए हेल्दी टेस्टी बर्फ़ी। और बनाकर देखें, मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कैसी बनी बर्फ़ी। तो देर किस बात की, वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते बनाना। ये गीले वाले नारियल ले लिए दो मैंने। अब इसका ब्राउन वाला हिस्सा आप चाहे तो निकाल सकते हैं, अब रेसिपी ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। इसकी जटाओं का पाउडर बना के आप पेड़ पौधे में डालें, मनी प्लांट में डालने से बहुत ही हरा भरा मनी प्लांट हो जाता है, ये खाद बन जाती है इसकी अच्छी। अब इसे ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। आप चाहे तो इसे पीसेस भी कर सकते हैं और मिक्स में डाल के पीस सकते हैं, पर पीसेस रह जाने के बाद बर्फ़ी अच्छी नहीं बनती, इसलिए मैंने ग्रेट करने के बाद पीसा हुआ है। इससे बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालकर इसे पीस लें। ये देखिए अच्छी तरह पेस्ट बन चुका है। ट्रे को ग्रेस कर लेंगे जिससे चिपके नहीं इसका बर्फी का मिश्रण। एक चम्मच घी डालेंगे, देसी वाला। वैसे कोकोनट में भी ऑयल रहता है तो घी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेस्ट डाल देंगे पिसा हुआ नारियल का। बहुत ही यम्मी टेस्टी बर्फ़ी बनती है, एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कैसी बनी बर्फ़ी। इसे लगातार चलाते रहेंगे, थोड़ा भून लेंगे, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। दूध डालने से अच्छी तरह बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आता है और अच्छी तरह पक जाता है। मिल्क पाउडर डाला मैंने आधा कप, आप चाहे तो अपने घर की मलाई भी डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहें जिससे लम्स न पड़े, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आधा कप चीनी डालेंगे, आप टेस्ट के हिसाब से चीनी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इलायची पाउडर, आप चाहे तो बिना मिल्क पाउडर के भी बना सकते हैं सिर्फ दो चीज़ों से। और भी रेसिपी मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। मूँगफली की बर्फ़ी की रेसिपी भी आप देखें और बनाए बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कैसी बनी मूँगफली की बर्फ़ी। में और भी रेसिपी और टिप्स देख सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ये देखिए मिश्रण गाढ़ा हो चुका है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखें जिसे नीचे तले पर लगे नहीं। ठंडा होने के लिए रख देंगे इसे। अब ट्रे में निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह फैला देंगे। ऊपर से पिस्ते की गार्निशिंग करी है मैंने, आप चाहे तो काजू बादाम पिस्ते लगा सकते हैं या चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। घर की बनी मिठाई का अलग ही स्वाद होता है। प्लीज़ रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार बनाना तो बनता है, बनाए बताएं मुझे। तो मिलते हैं नई नई रेसिपियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।